दिलाजा कुलदीप इब्ने कलान का पहला बेटा है। दिलाजा की औलाद ने बहुत तरक्की पाई थी। दिलाजा बड़ी चरारबो बहादुर कौम है। यह कौम सब अफगानों से पहले खैबर के रास्ते से पेशावर आए थे। बकराम जो मौजूदा दौर में पेशावर है, बकराम पर एक हिंदू राजा की हुकूमत थी। दिलाजाकों ने बकराम यानी पेशावर पर हमला करके बाजोरे शमशेर काबिज होकर अपना कब्जा बढ़ाते रहे। एक वक्त तक वो दरिया सिंध के मशरक से भी दूर तक उनका कब्जा हो गया। कहा जाता है कि पेशावर, दुआबा, बाजोर, निंगरहार और हजारा तक दिलाजाक पेले हुए थे। सुल्तान महमूद गजनवी के साथ सोमनाथ के हमले में इखया के सरपरस्ती में यह कौम शामिल थे। एक रिवायत के मुताबिक जब कबीला सबसे अव्वल अफगानिस्तान से आए तो पेशावर के किनारा मगरिब व मशरक में सुर्ख काफर आबाद थे। कयास की जाती है कि वो लोग जिनको ये लोग सुर्ख काफर कहते थे कौमे गरीब और बेहतरीन के नस्ल से होंगे। एक रिवायत के मुताबिक यहाँ पर दीगान और असली स्वातियों के आबाओ अजदाद आबाद थे जो पेशावर और रावलपिंडी के हदूद से लेकर जलाल आबाद तक पेली हुई थी, जिसको दिलाजाकों ने अपने जोर से स्वात और बोनीर के पहाड़ों को दखल दिए और अपना कब्जा इस इलाके पर मजबूत रखा। अलगर्ज यह कौम अहद हुकूमत मिर्जा अल्हुबैद तक बड़ी मशहूर हुई। जब ये कौम अपनी जमीयत व ताकत पर हद से ज्यादा मगरूर हो गए, फिर बदलते जमाना ने उनके गरूर को इस तरह माजूर किया कि अव्वल कौम खलील व महमद जो काबिल की तरफ से पेशावर आए थे, हजीमत कहकर पेशावर छोड़ना पड़ा। और दूसरी वजह, जब यूसुफ जई ने दूसरे कौमों के साथ उत्तेहाद करके दिलाजाको को शिक्ष दी तो दिलाजाको ने इलाका चर्च व हजारा में दरिया सिंध अबूर करके दाखिल हो गए और वहाँ पर आबाद हो गए। लेकिन वहाँ पर भी आराम से नहीं बैठे और लूट मार और फसाद अंग्रेजी शुरू कर दी। पश्तून पहले पहल अक्सर रहस्यम वो लूट मारी में बड़े मशहूर थे। उस जमाने में सल्तनत बादशाह जहांगीर का था। जहांगीर ने इस कौम को ऐसा रौंद डाला कि जो बच गए उनमें से अक्सरों ने अपने अहल व यल के साथ मुल्क दिकन पहुँच कर मुतफर आबाद हो गए, जहाँ अब भी बहुत से दिलाजाक आबाद है और कुछ जिला हजारा में रह गए। इनकी अपनी तकबर व बगावत से ये नतीजा निकला कि इतनी कसीर कौम से जमाना हाल में चंद गराने जिला हजारा में और चंद गराने इलाका चचा व पेशावर में बाकी है। हुया उस कौम को अफगानिस्तान व पाकिस्तान में नाबूद समझना चाहिए। तारीख में आगे बढ़ते हुए बताना चाहता हूँ कि जब यूसुफजई मिर्जा अबू सईद के बेटे मिर्जा अल्बैग से शिक्षत आई तो यूसुफजई बेयारों मददगार पेशावर की तरफ आए तो यूसुफजई के सरदार मलिक अहमद ने दिलाजाको से कहा कि हम लोग कमजोर और बेआसरा है, इसलिए हमें रहने के लिए थोड़ी सी जमीन दे दो। दिलाजाको ने यूसुफजई को दुआबा का इलाका दिया। इसके बाद यूसुफ जयू ने और जमीन मांगने की दरख्वास्त की और कहा कि ये इलाका हमारे लिए कम है, उस पर गुजारा करना मुश्किल है, जिस पर दिलाजाको ने इलाका इनबर, दंजकुल और बाजोर दे दिया। फिर यूसुफ जई ने दिलाजाको से कहा कि हसनगर दुआबा के नजदीक है, इसलिए हम इसे बाजोरे शमशेर हासिल करेंगे। बाद में यूसुफ जियो और दिलाजाको के माबिन जमीनी तनाजे पर कई बड़े चंगे हुए, जिसमें दोनों अतराफ से बहुत से लोग मारे गए, जो कई बरसों तक जारी रहा। लेकिन बाद में यूसुफ जियो के मलिक अहमद और दिलाजाको के मलिक मोहम्मद खान के दरमियान सुलह हो गई। शजरा नसब दिलाजाक कौम का। करलान से कोदे और कके, कोदे की पहली जोजा से दिलाजाक और उरकजी, दिलाजाक से लोरी खिल याकूब खिल, लोरी खिल से अहमद खिल, वतक जई, उमर खिल, इखयाजी, समर जई, याकूब खिल से जिक्रिया खिल, अमाजे, जिक्रिया खिल से यासिन खिल, माने जई, मंदी जई, होती जई, अमाजे से हैदर जी, सनी जी या शमसी जी, हुसैन जी। बाज लोग दिलाजा को सिख से जोड़ते हैं और कुछ को इसे बिल्कुल पश्तून भी नहीं मानते, मगर ये दोनों एतराजात गलत है। दिलाजा के एक पश्तून कबीला है, जिसकी गवाही बाबर के मोरखिन ने की है कि दिलाजा पश्तूनों का एक महम और खास कबीला है। बाबर के मोरखिनों ने दिलाजाको को अफगाना के साथ जोड़ा है।